नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हमारे चैनल द्वारा मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो उसी क्रम में आज मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश शासन की यूनिवर्सिटी है और सन 2011 में स्थापित की गई थी और सन 2011 से यह यूनिवर्सिटी संचालित है, इससे रिलेटेड जो मेडिकल के पाठ्यक्रम चलते हैं उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। फर्स्ट कोर्स है जो कि बहुत प्रचलित हुआ था, वह है प्राथमिक चिकित्सा उपचार, डिप्लोमा इन फर्स्ट एड। इसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास। इसी तरह से डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, जिसकी एलिजिबिलिटी है 12th पास। इसी तरह से PG डिप्लोमा इन हेल्थ केयर, आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण। भारत में पहली बार किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स का प्रारंभ किया गया है। वह फर्स्ट यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कोर्स स्टार्ट किए हैं। इसका कोर्स है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यह 1 ईयर का कोर्स है और इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है। इसे 12th पास स्टूडेंट कर सकते हैं। और डिप्लोमा इन इंजरी, खेल में चोट एवं उसका प्रबंधन, इसकी एलिजिबिलिटी भी 12th पास है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अस्पताल प्रबंधन प्रमाण पत्र, इसकी एलिजिबिलिटी भी 12th पास है। प्राकृतिक फार्मा कोर्स, इसकी एलिजिबिलिटी भी 12th पास है, यह भी 1 ईयर का कोर्स है। योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम, इसकी एलिजिबिलिटी भी 12th पास है और यह भी 1 ईयर का कोर्स है। यह मध्य प्रदेश शासन की यूनिवर्सिटी है और रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन पाठ्यक्रमों को मध्य प्रदेश शासन की यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है और यदि आप चाहें तो इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। इसकी एडमिशन प्रोसेस फुली ऑनलाइन रहेगी और स्टडी सेंटर में आप एडमिशन ले सकते हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से इसकी एडमिशन प्रोसेस रहेगी। एडमिशन के टाइम पर आपको 10th 12th आधार फोटो साइन लेके जाना होगा, जो कि MP ऑनलाइन कार्यकर्ता आपका फॉर्म भरेगा और स्टडी सेंटर चूज करने की फुली फ्रीडम रहेगी। आप कोई भी स्टडी सेंटर चूज कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए आपको हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जो कि यह सभी 1 साल के पाठ्यक्रम हैं। वर्ष में 1 बार आपके एग्जाम होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम होंगे और आपकी क्लासेस संबंधित अध्ययन केंद्र में संचालित होंगी। अब बात आती है स्कोप की, इन पाठ्यक्रम को करने के बाद स्टूडेंट को रोजगार कैसे मिलेगा। को अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार डिप्लोमा करने के बाद स्टूडेंट अपने क्षेत्र में प्राथमिक उपचार का कार्य कर सकता है, प्राथमिक उपचार सलाह परामर्श का कार्य कर सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक में असिस्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले समय में इन पाठ्यक्रमों से संबंधित नौकरियां भी निकाली जाएंगी। असिस्टेंट के तौर पर आप कार्य कर सकते हैं, चाहे वो फार्मा असिस्टेंट हो, डॉक्टर असिस्टेंट हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो। असिस्टेंट के तौर पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कार्य कर सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपार संभावनाएं हैं। यह पाठ्यक्रम स्वरोजगार के सृजन के लिए डिजाइन किया गया है और ऐसे चिकित्सक जो किसी तरह का कोई डिप्लोमा नहीं किए हुए हैं, उनके लिए यह स्वर्णिम अवसर है। अतः वह इस कोर्स को करने के बाद सर्टिफाइड स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है और उसे किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की यह यूनिवर्सिटी है और मध्य प्रदेश शासन ने इन पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया है और बेसिक हेल्थ केयर के कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो आप भारत में कहीं से भी इन पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की क्वेरी इंक्वायरी है तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।